इतना बड़ा बजट पारित हुआ है अभी बजट में राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री साहब ने किया है, तो आपको क्या लगता है इससे क्या फायदे होंगे? शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार का जो बजट किया, मैं कहूँ तो ये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बजट दिया, चाहे विशेष पिछड़ा वर्ग के बच्चों को 55% अंक लाने पर और कॉलेज में एडमिशन लेने पर स्कूटी दी जाती, अब माइनॉरिटीज की बच्चियाँ जो 60% नंबर लाकर कॉलेज में एडमिशन लेगी उन्हें भी सरकार लैपटॉप देगी। दूसरी साइकिल, जो पहले नवी और दस नवी की जो बच्चे हैं 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दूरी से तय कर कर स्कूलों में आती थी उन्हें साइकिल देती, अब सरकार ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जब जो बच्ची 9वीं में एडमिशन लेगी उन्हें हम एडमिशन लेते ही साइकिल देंगे। दूसरी बात, 2000 नए प्राथमिक विद्यालय, 1500 सेकेंडरी में कर्मोन्नत किए जाएंगे और 1100 सीनियर सेकेंडरी के स्कूल सरकार खोलने जा रही है, पहले भी खोले हैं सरकार, ताकि हम गांव और उस गरीब तबके के बच्चों को ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगा सकें। क्योंकि सही मायने में शहरी क्षेत्र में तो आज प्राइवेट स्कूल और बहुत सारे ऐसे स्कूल हो गए जिनके माध्यम से बच्चे स्कूल शिक्षा, क्योंकि रूरल बेल्ट में एजुकेशन में ऊँचाइयाँ देना बहुत ज़रूरी है, उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में ड्रॉप आउट बच्चों को भी सरकार ब्रिज कोर्सों के माध्यम से ब्रिज कोर्स कराकर उन्हें स्कूलों से जोड़ रही है। और दूसरी, सरकार ने ऐसी योजनाएं लेकर आई, लैपटॉप दे रही, 10वीं और 12वीं के जो 10,000 प्रथम 10,000 बच्चे होंगे उन्हें सरकार लैपटॉप दे रही, 8वीं के बच्चों को विशेष लर्निंग लैपटॉप सरकार देने जा रही है, दूसरे से 11वें बच्चे को, तो बहुत बड़ा खर्चा आएगा, पर सरकार चाहती है कि बच्चों में कंपटीशन की भावना जागृत हो, बच्चे कंप्यूटर आईटी से जुड़ पाएँ, क्योंकि आज का आधुनिक युग कंप्यूटर आईटी का युग है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के बच्चों को अलावा तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी माना है, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और हमारे जो सांसद हैं अजमेर से कंप्यूटर सचिन जी अलेट साहब ने भी कंप्यूटर आईटी को बहुत तोहफे अजमेर को, राजस्थान को, पूरे हिंदुस्तान को दिए। सिब्बल साहब के साथ वो मिनिस्ट्री में थे तब उन्होंने फाइबर टू हम लागू किया, ब्रॉडबैंड की सेवा वहाँ स्थापित की, राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केंद्रों को कंप्यूटर आईटी से जोड़ा ताकि ग्रामीण क्षेत्र में भी कंप्यूटर आईटी से लोग जुड़ पाए, उन्हें बिजली पानी नल के बिल वहीं जमा कराने पड़े, उन्हें शहर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, रेल ट्रेन के टिकट भी उन्हें हवाई की टिकट भी वहीं मिल सकेंगे। राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केंद्र पूरे प्रदेश में प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर बने हैं, 10 लाख की लागत से, 25 लाख की लागत से पंचायत समिति हेडक्वार्टर पर बने, 50 लाख की लागत से जिला हेडक्वार्टर पर बने। सरकार ने प्रयास कर, इस बार जब बराक ओबामा जी राष्ट्रपति जी आए थे तो हमारे अजमेर ज़िले की कानपुरा जो छोटी सी ग्राम पंचायत है उससे बात की थी, कंप्यूटर आईटी तकनीक से उस गांव को जोड़ा, दिल्ली में बैठ के बराक ओबामा ने वहाँ कानपुरा जैसे छोटे से गाँव में बात की, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर आईटी की हर तकनीक को लॉन्च किया और क्लासरूमों को, माध्यमिक के क्लासरूमों को कंप्यूटर से जोड़ा है, सरकार ने भी जोड़ा, सचिन पायलट साहब हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने भी 271 स्कूलों को कंप्यूटर, जो माध्यमिक के स्कूल हैं उनको सभी को कंप्यूटर लैब स्थापित कराई, और मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं लाने में कहीं कमी नहीं, चाहे इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार हो, चाहे गार्गी पुरस्कार हो, चाहे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, मेरिट का मीन्स छात्रवृत्ति हो, और बच्चियों के लिए 12वीं तक एजुकेशन फ्री, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सरकार ने योजनाएं लाने में कमी नहीं की, अब हमारी जिम्मेदारी कि हम आम आदमी तक सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी योजनाएं उनको आम आदमी तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री जी का सपना है कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊँचाइयाँ छुए और उस ऊँचाइयों पर कायम रहे, और राजस्थान में बालिका शिक्षा पर बहुत बड़ा पैसा और बहुत बड़ा योजनाएं बालिका शिक्षा के तरफ लेकर आएँ। हमारा प्रयास है कि हमारे देश और प्रदेश की बालिकाएं ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हों, क्योंकि जब एक बालिका पढ़ती है तो दो परिवारों में अच्छे संस्कार लेकर आता है, हमें शिक्षा के साथ संस्कारों को जोड़ना बेहद ज़रूरी है, हमारी परंपराओं को जोड़ना ज़रूरी है, जब तक हम बच्चे को संस्कारवान शिक्षा नहीं दे पाएँ तभी हमारे अच्छे समाज का हम निर्माण कर पाएंगे। क्योंकि एक बच्चा जब स्कूल में जाता है प्रथम पाठशाला उसकी माँ की गोद होती, उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन होती, तो प्रयास ये होना चाहिए कि हम बच्चे को स्कूली एजुकेशन से ही हम उस
में ढाल दें, संस्कारवान शिक्षा में, जो आज औरत करना, भ्रूण हत्या और जो आज बलात्कार के जो केस सामने आ रहे हैं, अगर हमारा बच्चा सुसंस्कारवान शिक्षा लेगा तो काफ़ी हद तक ऐसे चीज़ें होंगी ही नहीं। आखिर में आपसे बस ये कहना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में सब लोग आए हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एसोसिएशन, आप ऐसे जिले से हैं, अजमेर से, जो शिक्षा का स्तर जैसे बहुत ऊंचा है, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ले लें या लिटरेसी रेट ले लें, साक्षरता देख लें, बहुत ज़्यादा है, उस ज़िले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगी इन सभी संस्थाओं को अपनी तरफ से? मैं अजमेर जैसे ज़िले से आती हूँ जहाँ ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी अजमेर है और जगत पिता ब्रह्मा की नगरी तीर्थराज पुष्कर है, दोनों धर्मों के बड़े धार्मिक स्थल वहाँ, जिस ज़िले से मैं आती हूँ और हिंदुस्तान में सबसे जगह वहीं से मैसेज जाता है, जो दरगाह आता है वो पुष्कर जाता है, जो पुष्कर आता है वो दरगाह जाता है, वहाँ सब एजुकेशनल हब भी कहा जाता है अजमेर को, राजस्थान को, वहाँ अजमेर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना आदरणीय सिब्बल साहब और पायलट साहब और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की वजह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना हो चुकी है, और आने वाले समय में रहमान साहब ने भी अभी जोधपुर में घोषणा की है कि ख्वाजा गरीब नवाज यूनिवर्सिटी भी मानवटी की हम बनाने जा रहे हैं। उन्होंने आदरणीय रहमान साहब अल्पसंख्यक मामलात के केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अभी जोधपुर में एक प्रोग्राम में कहा था कि हम ख्वाजा गरीब नवाज यूनिवर्सिटी बनाएं, तो आने वाले समय में कंप्यूटर आईटी के क्षेत्र में इस अजमेर नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि किसी भी समाज और राष्ट्र की उन्नति उसकी शिक्षा में निहित होती है। अगर हम शिक्षा सही मायने में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा दिलाने में, प्रत्येक बच्चे को साक्षर करने में, क्योंकि साक्षरता का प्राइज प्रथम पुरस्कार भी राजस्थान को, अजमेर को मिला है, जिन्हें साक्षरता के सारे एफर्ट्स पूरे किए, चाहे शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की बात हो, चाहे महिला समूह बनाने की बात हो, चाहे समूह बनाकर उन्हें साक्षरता के साथ रोजगार से भी जोड़ा, उन्होंने सारे एफर्ट्स अजमेर ज़िले ने पूरे किए। इस पुरस्कार साक्षरता के पुरस्कार साक्षरता की सेमिनार जब लखनऊ में हुई, मैं ही उस मुझे ही उस पुरस्कार को लाने का सौभाग्य मिला, राजस्थान का जो पुरस्कार मिला साक्षरता को अजमेर को, उसे मैं ही लेने गए, उस पुरस्कार को राष्ट्रपति जी ने मुझे दिया था राजस्थान को, इसके लिए भी सभी को बधाई देना चाहूँगी। साथ साथ हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी का और भारत की सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे सर्व शिक्षा हो चाहे रमसा हो, वो आम आदमी तक लाभ पहुँचे, लोगों को गुणवत्ता की शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, संस्कारवान शिक्षा मिले, और कंप्यूटर आईटी से ज़्यादा बच्चों को हम जोड़ पाएँ, तभी सही मायने में अच्छे भारत, शिक्षित भारत का निर्माण हुआ है। भारत तो पहले भी शिक्षा का गुरु रहा है, विश्व गुरु रहा है, तो हम चाहेंगे विश्व गुरु की इस परंपरा को हम आगे बढ़ाते रहें। जब दूसरे विदेश भी हमारे प्रतिभा का लोहा मान चुका है, तो हम चाहेंगे कि इस प्रतिभा का लोहा हमेशा आगे मनवाते रहें। एक बार पुनः इस सेमिनार के आयोजनकर्ताओं को मैं अपनी ओर से, राजस्थान की गवर्नमेंट की ओर से, सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ कि ऐसी सेमिनारों का आयोजन होते रहना चाहिए, ताकि हम शिक्षाविद इकट्ठे होते हैं तो सही मायने में कोई अच्छी चीज़ निकल कर आती है और सरकार ने उसे लागू करने का प्रयास भी करती है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ से हम एक संकल्प लेकर जाएं, जिस जिस फील्ड में हम आएँ उस फील्ड में शिक्षा को नई ऊँचाइयाँ दें, और ताकि हम नए भारत और नए विकसित भारत का निर्माण कर सकें। हमारी यही आशा है कि आपके जो अथक प्रयास से राजस्थान शिक्षा में ऊंचे आयाम देख रहा है, वो आगे भी इस तरह देखता रहे, और आप राजस्थान की सेवा में हमेशा तत्पर।